हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो आज हम आ गए हैं ओटावा और आपको आज सैर करवाएंगे ओटावा की। यहाँ पे डाउनटाउन, पार्लियामेंट हाउस आपको सब दिखाएंगे एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो शो यू ऑल द नाइस व्यूज, लेक्स एंड ऑल द नाइस थिंग्स विच आर हेयर इन ओटावा। सो आई एम श्योर कि आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम निकले हैं नेपियन से। नेपियन ओटावा का एक सबर्ब है जो कि डेवलपिंग एरिया है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन। तो हम अभी नेपियन से निकले हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स डाउनटाउन। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, स्काई इज़ वेरी क्लियर एज यू कैन सी और बहुत सनी भी है एंड टेम्परेचर इज़ अराउंड 30 degrees। सो इट्स अ वेरी नाइस वेदर टू रोम अराउंड द सिटी। और अब आप देख सकते हैं ये है डोज लेक। डोज लेक इज़ अ मैन मेड लेक जो कि रीडो कनाल के ऊपर बनाई गई है और डोज लेक जो है इट इज़ सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ ओटावा एंड इट इज़ क्लोज बाय डाउनटाउन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेक के साथ बहुत से लोग हैं जो दे आर साइकिलिंग, बहुत से लोग वॉक कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ओटावा इज़ कंसिडर्ड पेडेस्ट्रियन एंड बाइसिकल फ्रेंडली सिटी क्योंकि यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस के लिए और बाइसिकल्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर हम बात करें ओटावा की पॉपुलेशन की तो ओटावा इज़ द 6th मोस्ट पॉपुलस सिटी इन कैनेडा एंड पॉपुलेशन इज़ 1.4 मिलियन पीपल। और ये एक स्टडी के हिसाब से ओटावा हैज़ आल्सो बीन रैंक्ड एज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन कैनेडा बेस्ड ऑन द इनकम, द एम्प्लॉयमेंट रेट, कार ओनरशिप, हाउसिंग एंड लाइफस्टाइल, व्हिच मींस कि यहाँ पे घर लेना, कार लेना एंड एम्प्लॉयमेंट रेट इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इन कैनेडा। अगर हम जॉब्स की बात करें तो बहुत, जैसे कि मैंने बोला है, डेवलपिंग सिटी है इसलिए बहुत सारी हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे बेस फॉर्म कर रही हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ओटावा इज़ वेरी फेमस एंड हेल्थ एंड एजुकेशन में भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं। तो ये बिल्कुल रोड के साथ साथ में पैरेलल आप देख रहे हैं रीडो कैनाल है विच यू विल ऑल्सो बी एबल टू सी फ्रॉम द पार्लियामेंट हिल वेयर वी आर गोइंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और कयाकिंग एंड बोटिंग भी हो रही है बिकॉज आज मौसम बहुत ही अच्छा है। अगर हम आज के टाइम पे देखें तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं, जब वो कनाडा आते हैं तो दे आर चूजिंग ओटावा बिकॉज सिटी इज़ वेरी सेफ, क्वाइट एंड बायलिंगुअल है, इट्स गुड फॉर बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया बिकॉज इट्स अ कैपिटल एंड स्कूलिंग एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और आपके सोशल लाइफ के लिए, घूमने फिरने के लिए पार्क्स, बीचेस भी सब कुछ बहुत अच्छा है। सो नाउ वी आर एंटरिंग डाउनटाउन। ओटावा का जो डाउनटाउन है एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़ लाइक टोरंटो और मॉन्ट्रियल कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा ज़रूर हो सकता है बट इट इज़ ऑल्सो एज हैपनिंग एज द डाउनटाउन ऑफ अदर सिटीज़। तो नाउ वी हैव रीच्ड ओटावा डाउनटाउन और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स पार्लियामेंट हाउस और वहाँ से देखते हैं कैसा व्यू है बाहर। गाइज, इस टाइम हम पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल बाहर हैं और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा दूँ, कितना ही वेल मेंटेन सुंदर लॉन है बाहर।
थोड़ी सी अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं पार्लियामेंट हिल की, तो वो ये है कि इन 1958 क्वीन विक्टोरिया सेलेक्टेड ऑटवा एज कैनेडाज कैपिटल, और पार्लियामेंट हिल जो है उधर अप्रॉक्सीमेटली ईच ईयर 3 मिलियन विजिटर्स आते हैं टू सी द पार्लियामेंट हिल, टू टेक अ टूर ऑफ द पार्लियामेंट हिल, द म्यूजियम्स इनसाइड. Right behind me you can see the Parliament House. और बहुत ही अच्छा यहाँ से व्यू है, तो आप यहाँ से देख सकते हो नीचे बिल्कुल पार्लियामेंट हिल के नीचे आप देख सकते हैं रेडो कनाल है. रेडो कनाल कनेक्ट्स ऑटवा टू लेक ओंटारियो जो कि बहुत बड़ी लेक है, एंड इट इज़ जस्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट हाउस यू कैन एन्जॉय द व्यू. अगर आप यहाँ पे गार्डन देखोगे, पार्क देखोगे, यू विल नोटिस कि सब बहुत वेल मेंटेन्ड है. नॉट ओनली दिस एरिया विच इज़ राइट बिसाइड्स द पार्लियामेंट हिल, और भी कहीं कोई भी आप गार्डन में या पार्क में चले जाओगे यू विल फाइंड इट इक्वली वेल मेंटेन्ड एज दिस वन. तो अब हम चलते हैं डाउनटाउन मार्केट शॉप्स मॉल्स का थोड़ा व्यू देखने, देखते हैं कि यहाँ पे डाउनटाउन कैसा है, शॉप्स कैसी होती हैं एंड एवरीथिंग. अगर मैं तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस बेकरी है जो कि आप अभी देखेंगे. दिस बेकरी, यहाँ पे बराक ओबामा आए थे और उन्होंने कुकी खाई थी, तब से उस कुकी का नाम रख दिया गया है ओबामा कुकी. तब से ये बेकरी बहुत फेमस है और कोई भी यहाँ पे आता है तो वो ओबामा कुकी ज़रूर ट्राई करता है. ऑल दो मैंने नहीं ट्राई की, सो ये दिस इज़ द बेकरी. तो ये सारी है स्ट्रीट मार्केट और रोड साइड मार्केट आप कह सकते हो. अगर आप इसे देखोगे तो आपको बिल्कुल इंडिया की याद आ जाएगी, बॉम्बे की या दिल्ली की. जो रोड साइड मार्केट है वो बिल्कुल ऐसी ही लगती है, ऑल दो ये बहुत क्लीन है बट स्टिल इट गिव्स मी द सेम फीलिंग. और आप देख सकते हैं कि कैसे सब ने डिस्प्ले पे बिल्कुल ऑन रोड लगाया हुआ है सारा सामान. एंड जितना भी मैंने अभी तक ऑटवा एक्सप्लोर किया है और खाया पिया है बाहर से, आई वुड से कि अगर मैं मॉन्ट्रियल से कंपेयर करूं तो फूड इज़ अ लिटल एक्सपेंसिव ओवर हियर अगर आप बाहर से रेस्टोरेंट से खाते हो. एम सो अब मॉल के अंदर जाना है तो मास्क लगा लिया जाए. तो अब हम पहुंच गए हैं रेडो सेंटर के अंदर. रेडो सेंटर इज़ अ वेरी बिग मॉल इन डाउनटाउन ओटावा, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं एंड जस्ट लाइक एनी अदर मॉल हम इस मॉल में आ गए हैं. बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी एंड दीज आर द शॉप्स यू कैन सी. और रास्ते में हमें दिख गया ऑल्डो जहाँ पे 70% ऑफ थी, तो वहाँ से कुछ शॉपिंग करने चले गए और काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर ली आप हाँ मैंने वहाँ पे, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी बाद में. अब टाइम आ गया है कि कुछ खाया पिया जाए क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, सुबह से घर से निकले हुए हैं. तो अगर हम ओहो बहुत अच्छी लग रही है. ऑल दो मॉन्ट्रियल वाली पुटीन से अलग है बिकॉज पुटीन सॉस नहीं है, बट इट्स वेरी डिफरेंट और ट्राई करते हैं. ऑल राइट गाइस, सो अब हम कुछ खाने पीने लगे हैं इसलिए मास्क उतार दिया है और अब खा पी के आपसे बात करते हैं. ऑल राइट गाइस, सो अब हमारा डाउनटाउन का टूर जो है वो ख़त्म हो गया है. हम मॉल चले गए थे क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और ये जो ऑल्डो से हमने शॉपिंग की है इयर रिंग्स ये भी अब डाल ली हैं, और अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. तो अब हम पहुंच गए हैं डोज लेक, जो लेक मैंने आपको पहले भी दिखाई थी. सो गाइस, अब हम आ गए हैं
डोज लेक, ये बहुत ही सुंदर लेक है, आर्टिफिशियल लेक है और व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वेल मेंटेन, आसपास गार्डन है, लॉन्स है और बहुत सुंदर लग रहा है। और मेरे बिल्कुल पीछे है लेक जहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वापस जा रहे हैं। सो, आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इंजॉय किया होगा ऑटवा का व्यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप यहाँ पे पहले गए हुए हो और आपको ऑटवा कैसा लगा। ऑलराइट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़। बाय गाइज़।